Example one, on 1st April 2021, Amro Limited issued 10,000 9% debentures of rupees 100 each at a discount of 10%, redeemable at par after 5 years. The issue price is payable along with application. The debentures were subscribed. There is a balance of 1,75,000 in securities premium and 50,000 in capital reserve. Pass the journal entries for issue of debentures and writing off the discount and prepare discount on issue of debentures account. लेजर अकाउंट भी बनाने के लिए बोला है, जर्नल भी बनाने के लिए बोला है, दोनों करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखना। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर इशू, तो पहली एंट्री तो इशू ऑफ डिबेंचर्स की होगी, पूरा का पूरा पैसा एक साथ आ रहा है, डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, रिडीमेबल एट पार। बताओ बेटा जर्नल एंट्री क्या होगी? डेट दे रखी है तो पहले आ जाएगी डेट 2021, मतलब 21-22 अप्रैल 1। बोलो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। अगर एक ही स्टेज होता है तो डिबेंचर एप्लीकेशन नहीं, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 10,000 हाँ बोलो, आ गया 9 लाख। 10,000 डिबेंचर्स इशूड एट अ डिस्काउंट ऑफ 10%, बिल्कुल सही। तो 90 रुपीज का एक डिबेंचर है तो कितने हो जाएंगे? 9 लाख रुपीज। तो बैंक अकाउंट डेबिटेड टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 9 लाख। कंटिन्यू। सेकेंड एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इशू, पूरा बोलेंगे ना फिर, डिस्काउंट ऑन इशू, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू 9% डिबेंचर्स, बिल्कुल ठीक, टू 9% डिबेंचर्स। कितने डिबेंचर्स हैं, वैल्यू क्या है डिबेंचर्स की? डिबेंचर्स की वैल्यू तो 10 लाख है। डिबेंचर्स आर शोन एट देयर फेस वैल्यू। आपको पैसे कितने मिले? 9 लाख। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि डिबेंचर्स डिस्काउंट पे थे। क्या कुछ नया बताया? राइटिंग ऑफ की वजह से बस एक एंट्री ऐड हो जाती है, क्या? मार्च 31। पहले इंपॉर्टेंट चीज डेट का ध्यान रखेंगे, राइटिंग ऑफ होती है एट द एंड ऑफ द पीरियड। राइट ऑफ हो रहा है, कितना राइट ऑफ करना है, किस अकाउंट के थ्रू होगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम हैज सफिशिएंट बैलेंस, डू वी नीड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस? तो एंट्री क्या हो जाएगी? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिटेड टू डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, कितना? 1 लाख। तो राइटिंग ऑफ इस पूरे क्वेश्चन का एक पार्ट है, इतना सा है। अब मैं बोल रहा हूं एडिशनल रिक्वायरमेंट क्वेश्चन की, प्रिपेयर डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। लेजर अकाउंट में भी दिखाना है कि कैसे दिखाना है, बहुत इजी है, बट नहीं कर रखा तो बिल्कुल कोई चांस ही नहीं कि आप कर पाओ। लेकिन इतना इजी है कि एक बार भी करते हुए कर लिया तो कुछ नहीं है, जर्नल से लेजर ही बनाना, जर्नल से लेजर ही बना रहे हो, कुछ अलग नहीं हो रहा। तो अकाउंट का नाम क्या है? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेफ्ट हैंड साइड इज द डेबिट साइड, राइट हैंड साइड इज द क्रेडिट साइड। प्लीज ये सब कर लेंगे, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, जर्नल फोलियो भी बना लें। तो पहले डिस्काउंट ऑन इशू कहाँ आया था? यहाँ पे आया था, इससे पहले तो नहीं आया था। तो अप्रैल 1 ही है ये एंट्री, डिस्काउंट ऑन इशू 2 9% डिबेंचर्स, तो डिस्काउंट ऑन इशू डेबिट हो रहा है 2021-22 अप्रैल 1। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिटेड टू, क्या? 9% डिबेंचर्स
डिबेंचर्स अकाउंट कितना था? 1 लाख। किसके फिर नेक्स्ट एंट्री क्या है? सिक्योरिटीज में भी हम टू डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट हो रहा है 2021-22 मार्च 31 बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम। क्या ये इजी पिकिंग्स हैं कि नहीं है? ये फ्री के मार्क्स होते हैं बेटा, बहुत इजी है, बहुत स्कोरिंग है। राइटिंग ऑफ, राइटिंग ऑफ बेसिकली एक उसका पार्ट है। तभी तो कह रहा हूँ कि डिवेंचर्स में क्या होगा, आपको लगता है राइटिंग ऑफ पे अलग से क्वेश्चन आएगा? राइटिंग ऑफ अलग से कोई क्वेश्चन होता ही नहीं है। क्यों नहीं होता? क्योंकि इसमें वो भी तो यूज हुआ, डिवेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट, तो वेरियस केसेस ऑफ इशू फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिडेम्पशन के कॉन्सेप्ट भी यूज हुआ और राइटिंग ऑफ भी यूज हुआ। तो डिबेंचर्स में जब भी क्वेश्चन आएगा तो दो तीन ऐसे छोटे कॉन्सेप्ट्स मर्ज होके ही आएंगे। राइटिंग ऑफ उन्होंने टेस्ट करना है तो वो तो डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन है तो देन कैश में भी कर लेंगे, क्योंकि अगर उसमें भी डिस्काउंट पे इशू हुए हैं तो लास्ट में आपको लॉस राइट ऑफ करना ही करना है। वो तो मैंने जब कराया था कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन है देन कैश, तो मैंने आपको बता दिया कि राइटिंग ऑफ अभी हमने करानी है, तो अभी उसको भूल जाते हैं क्योंकि वो एक छोटी सी चीज है। जब कर लेंगे तो ध्यान रखना है कि चाहे आप मशीन खरीद रहे हो चाहे आप बिजनेस परचेज कर रहे हो, अगर डिस्काउंट पे डिबेंचर्स इशू हुए हैं तो आपका लॉस अराइज हुआ है और वो लॉस राइट ऑफ होगा। किसके थ्रू होगा? पहले प्रेफरेंस सिक्योरिटीज प्रीमियम, सेकंड प्रेफरेंस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2 आप अपने आप करेंगे, मैं बस डिस्कस कर रहा हूँ। इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट है, बट क्या है? होमवर्क। क्रोम लिमिटेड टुक ओवर एसेट्स, तो चलो वो बात ही आ गई जो मैं भी डिस्कस कर रहा था कि बिजनेस टेक ओवर कर रहे हो या कुछ कर रहे हो उससे फर्क नहीं पड़ता। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कर ही देता हूँ। ज्यादा अमाउंट तो नहीं दे पड़ता। चलो